गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप सभी बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं और प्रेजेंट होने के बाद आप सभी बच्चों को क्या करना होता है, अपना अटेंडेंस बनाना होता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। और अटेंडेंस बन गया हो तो आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिएगा। आप सभी का नोटबुक ओपन हो गया होगा। तो मैंने आप सभी बच्चों को प्रीवियस क्लास में, जो हमारा मंडे वाला क्लास था, उसमें मैंने आप सभी को क्या दिया था, एनिमल्स एंड देयर शेल्टर नेम्स, है ना, जो जानवर थे उनके घरों का नाम था, उसे आपको क्या करना था, रिमेम्बर करना था। तो मैं आप सभी बच्चों से उम्मीद कर सकती हूँ कि आप सभी ने उसे रिमेम्बर किया होगा। और रिमेम्बर करने के साथ ही आपको क्या करना था, मैंने आप सभी बच्चों को कहा है कि रिमेम्बर कीजिए और अपने जो आपके हेल्प करती हैं आपकी पढ़ाई में, उन्हें सुनाइए। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप सभी से कि आप सभी ने रिमेम्बर करने के साथ साथ आप अपने बड़ों को उस चीज़ का स्पेलिंग विद स्पेलिंग आपने सुनाया होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो हम लोग चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं वो क्या है, फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, है ना, जानवरों के लिए खाना और रहने का, रहने की जगह, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है जैसे हम इंसान को रहने की, खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह जानवर भी, जानवरों को भी खाने की और रहने की ज़रूरत होती है, वो भी हमारी तरह लिविंग थिंग्स हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग वही जान, यानी कि पढ़ रहे थे। तो जो क्वेश्चन, यानी कि जो वर्ड था, उसे आपको याद करना था। जैसे यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिवीजन कर देती हूँ, लायन, लायन के होम को क्या बोलते हैं, डेन। डॉग के होम को क्या बोलते हैं, कैनल। उसके बाद कैट, कैट को केज में रखा जाता है, ठीक है ना। केज मतलब एक टाइप से पिंजरा बनाया जाता है उसके लिए, उसमें उसको डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद है शिप, शिप कहाँ रहता है, तो पेन में रहता है। बुल, वो कहाँ रहता है, तो कैटल शेड, शेड में ही रहता है। उसके बाद एलिफेंट, एलिफेंट को कहाँ, यानी कि एलिफेंट कहाँ रहता है, तो जंगल में। हैन, कुप। गूज, वाटर। डियर, ग्रास लैंड। हॉर्स, स्टबल। उसके बाद है काऊ, कैटल शेड। बियर, बियर कहाँ रहता है, तो ये भी फॉरेस्ट में रहता है, जंगल में रहता है, ठीक है। उसके बाद है कॉक, कॉक को भी हम कहाँ रखते हैं, कुप में रखते हैं। रैट, होल। बर्ड, नेस्ट। मंकी, ट्रीज। पिग, स्टाई। रैबिट, बुरो। फिश, वाटर। डंकी, स्टबल। गोट, पेन। डक, वाटर। बी, बी हाइव, मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी की छत्ते में रहती है। उसके बाद स्पाइडर, वेब। उसके बाद स्नेक, यह भी होल में रहता है। और एंट, एंट हिल, एंट के घर को एंट हिल बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी एनिमल्स एंड शेल्टर नेम्स थे, उन्हें, उसे आपको क्या करना है, रिमेम्बर करना है। उसी तरह नेक्स्ट, यानी कि उससे पहले मैंने आपको क्या दिया था, एनिमल्स एंड देयर साउंड्स, जानवर और उनकी आवाज़ें, तो उसे भी आपको क्या करना है, रिमेम्बर करना है। कुछ एनिमल साउंड्स आपको पता है, कुछ एनिमल शेल्टर आपको पता है, एनिमल्स होम के बारे में आपको पता है, और कुछ के बारे में नहीं पता था, तो आप रिमेम्बर कीजिएगा सभी को, सभी को अच्छी तरीके से रिमेम्बर करते रहिएगा स्पेलिंग के साथ, ओके। और आज हम जो हमारा होमवर्क होगा वो देखते हैं, उसके बाद आप सभी बच्चे अपने क्या कीजिएगा, नोटबुक में नोट कीजिएगा, ओके। तो चलिए आप सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, ओपन कर लीजिए और मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। चूज द, चूज एंड राइट
द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चूज करना है आपको और लिखना है। तीन ऑप्शन होंगे जिसमें से एक सही होगा उसको आपको चूज़ करना है, और ब्लैंक्स में मतलब वहाँ पे ब्लैंक्स छोड़ दिया जाएगा तो वहाँ पे आपको उस ऑप्शन को लिख देना है। काउ एंड गोट आर, ठीक है, आर ए ग्रास ईटर ईटर्स, बी ग्रेन ईटर, ईटर्स और सी फ्लैश ईटर्स। ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर वन जो है काउ एंड गोट आर। काउ मतलब गाय और बकरी क्या है? ग्रास ईटर है, घास खाती है, ग्रेन ईटर है, अनाज खाती है, या फ्लैश ईटर है, मांस खाती है। तो काउ और गोट क्या है? ग्रास ईटर है। ठीक है, तो आपको क्या लिख देना है ब्लैंक्स में? ग्रास ईटर। ठीक है, इसके बाद नंबर टू है सम एनिमल्स एनिमल्स हंट अदर एनिमल्स एंड इट देयर। ठीक है, बोन्स फ्लैश सी हेयर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सम एनिमल्स हंट अदर एनिमल्स एंड ईट देयर। कुछ जानवर क्या करते हैं? दूसरे जानवरों को मारते हैं और उनका क्या खाते हैं? बोन्स फ्लैश हेयर। बोन मीन्स हड्डियाँ, फ्लैश मीन्स मांस, या हेयर बाल। क्या खाते हैं इन तीनों में से? क्या खाते हैं? तो फ्लैश हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रास ईटर क्वेश्चन नंबर वन में, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू में? फ्लैश मतलब कुछ जानवरों को मारते हैं और उनका फ्लैश खाते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन वन टू, दो क्वेश्चन हो गया, आपको लिखना भी है। ठीक है, या मैं लिख देती हूँ ब्लैंक्स में। ठीक है, ग्रास ईटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लैश लिखना है, फ्लैश। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा और इसे क्या करना है? रिमेम्बर भी करना है। ठीक है, तो काउ एंड गोट आर ग्रास ईटर्स, सम एनिमल्स हंट अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश। इस तरह से आप लिख लीजिएगा ब्लैंक्स में। इसको मैं इरेज करती हूँ और आप सभी को अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में उतारना है। सबसे पहले तो आप डेट लिखिएगा, उसके बाद चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू लिख लीजिएगा। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। अब तीसरा नंबर है, नंबर थर्ड। ठीक है, अ लायन लायन lives in a pen b kennel c den। शेर कहाँ रहता है? a lion lives in a, मतलब जो लायन है सिंह है, सिंह या शेर।
कहाँ रहता है? पेन नहीं, कैनल नहीं, कहाँ रहता है? डेन में रहता है। यहाँ पे क्या लिख देना आपको? डेन लिख देना है। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, अ डॉग इज केप्ट इन अ कैनल स्टबल सी कूप। ओके, अ डॉग इज केप्ट इन अ, एक कुत्ता मतलब जो कुत्ता है वो कहाँ रहता है, उसके घर को हम क्या बोलते हैं? कैनल, स्टबल या कूप, तो कैनल बोलते हैं उसके होम को। स्टबल में हॉर्स रहता है, कूप में क्या रहती है? हेन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैनल, के ई एन एन ई एल, कैनल। उसके बाद है नंबर फाइव जो लास्ट है, फिशेस एफ आई एस एच ई एस, फिशेस आर केप्ट इन आवर होम मछलियाँ, मतलब जब हमारे घर में मछलियाँ आती है जिन्हें हम रखते हैं, मतलब जो हमारे घर में मछलियाँ रहती है उसे हम कहाँ रखते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है एक्वेरियम, ए क्यू यू आर क्यू यू ए आर आई यू एम, एक्वेरियम, बी वैस बी ए एस सी वैस, सी बाउल जी ओ डब्ल्यू एल बाउल, मतलब ये तीन है एक्वेरियम वैस और बाउल। तो फिशेस को हम अपने घर में कहाँ पर रखते हैं, किस चीज़ में रखते हैं? तो वैस, वैस में क्या रखा जाता है? जो गुलदस्ता जिसे बोला जाता है उसमें फ्लावर्स को रखा जाता है। बाउल में उसमें खाने पीने का सामान रखा जाता है। एक्वेरियम मतलब शीशे का एक टैंक होता है, उसके अंदर फिशेस को रखा जाता है जिसको एक्वेरियम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्वेरियम, फिशेज आर केप्ट इन आवर होम इन एन एक्वेरियम। एक्वेरियम को हम अपने घरों में रखते हैं और उसमें क्या रखते हैं? मछलियाँ, मछलियों को रखते हैं, ना? बहुत सारे के घर में ये चीज़ होगा, एक्वेरियम होगा, आप लोग देखे भी होंगे। तो एक्वेरियम में रखा जाता है फिशेज को जब हम अपने घर में रखते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से इन सभी सेंटेंसेस को आप उतार लीजिएगा, ठीक है, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में, ठीक है? तो और इसे रिमेम्बर करना है। होमवर्क क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो रिमेम्बर फ्रॉम नोटबुक, और नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आप सभी बच्चे इसे उतारेंगे। ओके, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान से अच्छे से आप लोगों को उतारना है और इसे रिमेम्बर करना है। और रिमेम्बर करने के बाद क्या करना है आप सभी को तो पता ही है कि अपने जो आपके जो बड़े हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं स्टडी में, उन्हें आपको रिमेम्बर करके सुनाना है, ठीक है? तो आज का बस इतना ही है, इसी को होमवर्क में आपको अच्छे से पहले नोट कर लेना है, उसके बाद आपको होमवर्क में इसे रिमेम्बर करना है। तो होमवर्क क्या है? रिमेम्बर फ्रॉम नोटबुक, सभी बच्चों को ये काम करना है। और हम अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं आज के क्लास को, और जब हमारा क्लास एंड होता है मैं सभी को क्या देती हूँ? गुड मैनर टिप देती हूँ। और गुड मैनर टिप क्या है आज का? जो एट स्कूल मतलब स्कूल के लिए है, ओबे स्कूल रूल्स, जो भी स्कूल का रूल होता है, नियम होता है, उसकी हमें, उससे हमें क्या करना चाहिए? उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। जैसे आपको टाइम से आना है, असेंबली से पहले स्कूल में पहुंचना है तो हर हाल में पहुंच जाना है। असेंबली में आपको प्रेजेंट रहना है, ठीक है? प्रेयर के टाइम आपको जैसे
बोला जाता है रहने के लिए उस तरह से रहना है, क्लासरूम में जैसे बोला जाता है वो काम करना है, है ना। तो इस तरह से जितने भी रूल्स आपके स्कूल के हैं उसे आपको हर हाल में फॉलो करना है। और अदर आपके क्लास में जो बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल में क्लासमेट हैं, उन सभी को फॉलो करने के लिए बताना है जो रूल आपके स्कूल का है, ठीक है। तो ये काम आप सभी बच्चों को करना है और दूसरे को भी बताना है कि आपको कैसे स्कूल में रहना है, क्या तरीका होता है स्कूल में रहने का, ये सभी चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं इसे रिकॉल कर देती हूँ, ओबे स्कूल रूल्स, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और ये होमवर्क है आप सभी का, इसे आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कीजिएगा एंड रिमेम्बर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।